जस्ट इमेजिन अभी हम 1900 में और अपनी गाड़ियों को देख के हम ये सोच रहे हैं कि यार 100 साल बाद से ये गाड़ी हवा में उड़ेगी, बट क्या ऐसा सच में हुआ? तो भाई लोग, फ्लाइंग कार के सपने हम आज से 100 सालों से देख रहे हैं। कई लोगों ने इसे बनाने की कोशिश भी की और नाकाम भी काफी लोग रहे। कुछ के डिजाइन अच्छे थे बट वो प्रैक्टिकल नहीं थे, बट कुछ प्रैक्टिकल थे बट उन्हें फंडिंग नहीं मिल पाई, और कुछ तो ऐसे भी थे यार जो उड़े तो सही बट कभी कभी वो क्रैश भी हो जाते थे। तो इस डर के मारे काफी लोगों ने गिव अप भी कर दिया इस चीज पे। बट ऐसा नहीं है कि लोगों ने बनाना ही छोड़ दिया, ट्राई करते रहे, और समय के साथ साथ जब टेक्नोलॉजी अच्छी हुई तो इसकी पॉसिबिलिटी भी ज्यादा बढ़ी कि फ्लाइंग कार्स भी बनेंगी। बट लोगों ने कभी हार नहीं मानी, सो फाइनली एक कैलिनविजन नाम की कंपनी ने एक फ्लाइंग एयर कार लॉन्च करी जो बिल्कुल प्रैक्टिकल कार थी। वो रोड पे चलने के साथ साथ हवा में भी फ्लाई कर सकता था काफी इजीली बिना किसी प्रॉब्लम के। ये जो आप कार देख रहे हो ये एक BMW की कार थी जिसे फ्लाइंग कार में कन्वर्ट कर दिया है। या इसकी स्पीड की बात करूं तो ये 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ सकता है, जो कि काफी कमाल की बात है। इसके एल्टीट्यूड की बात करूं तो ये 8000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता है, जो कि काफी अच्छी खासी ऊंचाई होती है। और सबसे कमाल की बात बताऊं, इसके अंदर लगा है BMW का इंजन, मतलब ये नॉर्मल पेट्रोल में भी चल सकती है, जो कि काफी अच्छी एफिशिएंसी देगा। और मतलब आप सोच रहे हो कि एविएशन जो फ्यूल होता है वो काफी कॉस्टली पड़ता है, काफी महंगा होता है, वो अलग ही फ्यूल होता है, बट ये एक नॉर्मल पेट्रोल पे भी उड़ सकता है काफी इजिली बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर इसके डिजाइन के बारे में बात करें तो इसका डिजाइन काफी डिफरेंट नहीं है, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। देखा जाए तो कुछ कार्स का भी डिजाइन ऐसा ही आता है। और यार इस कार को 2 मिनट 15 सेकंड लगते हैं एयरक्राफ्ट से कार में कन्वर्ट होने में, जो कि काफी कम टाइम है। और यार अब तक इस कार ने 70 आवर की फ्लाइट टेस्टिंग और 200 बार लैंडिंग और टेक ऑफ भी कर चुका है। और यार सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसे सी ऑफ ए मिल रखा है, सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्थनेस। ये गवर्नमेंट देती है उन एयरक्राफ्ट को जो सेफ होते हैं उड़ने के लिए, उनका डिजाइन काफी परफेक्ट होता है और इनकी एक रिक्वायरमेंट होती है, उसके बाद ही सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्थनेस मिलता है, जो कि इसे मिल रखा है। तो दोस्तों आपको ये फ्लाइंग कार कैसी लगी, या एयर कार बोल लो, जैसी भी लगी हो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसी लगी। और यार अच्छी लगी तो ये वीडियो अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करना। और यार मेरे चैनल पे नए हो तो वो सब्सक्राइब का लाल बटन जरूर दबा देना, साथ ही साथ वो बेल आइकन भी जरूर दबा देना, ताकि मैं ऐसी नई वीडियो जब भी मेरी अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन जरूर मिल जाए। और ऐसी वीडियोज यार मैं और लाता रहूंगा। तब तक के लिए यार बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।